so today we will start chapter 17 named we are proud of them okay we are proud of them listen students you have listened about so many leaders who has fought for india's freedom okay so dear students in this chapter we will read about those leaders who has uh, given us freedom okay फर्स्ट नेम इज ऑफ रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी आई होप यू ऑल हैव सीन द मूवी मनी मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ने तो ऑब्वियसली मनी मूवी देखी ही होगी अच्छी मूवी है सबको देखनी चाहिए ओके okay? और स्टूडेंट जितनी भी लीजेंड्स के ऊपर मूवीज आती हैं ना आ, मतलब भले वो भगत सिंह के ऊपर हो गांधी जी के ऊपर हो या लक्ष्मीबाई के ऊपर हो आप लोगों को वो देखनी चाहिए इसके पहले ताना जी भी आई थी इट वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट मूवी यू हैव टू वॉच इट ताना जी भी आप लोग ज़रूर देखें सो स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मेनी सच टाइप ऑफ मूवी इज़ यू हैव सीन ओके सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रानी लक्ष्मी बाई ओके शी वॉज द अर्लीस्ट लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस ओके जब हम लोग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये फर्स्ट थी फर्स्ट uh, तो तो नहीं जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइट किया था ओके किसके साथ में ताजिक टोपे के साथ में नाना साहब के साथ में और ब्रिटिश को चैलेंज किया था कब चैलेंज किया था बेटा 1857 में ओके सो स्टूडेंट्स रानी लक्ष्मीबाई वाज वॉज बॉर्न अराउंड 1835 कब बॉर्न हुई थी एटीन और इनका नाम क्या था बेटा मनी कर्णिका ओके शी मैरिज टू गंगाधर राव इनकी मैरिज किसके साथ हुई थी गंगाधर राव के साथ हुई थी द रूलर ऑफ झांसी झांसी के रूलर गंगाधर राव के साथ किसकी मैरिज हुई है बेटा रानी लक्ष्मीबाई बाई और उनका नाम क्या है मनी कर्णिका आफ्टर द डैट ऑफ इज फर्स्ट वाइफ तो जो झांसी की रानी थी वो गंगाधर राव की सेकेंड वाइफ थी ओके फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद उन्होंने झांसी की रानी से मैरिज वो सॉरी मनी कर्णिका से मैरिज की थी उनका एक सन है जो थ्री मंथ में ही डाइड हो गया था ओके हु हैज़ डाइड इन थ्री थ्री मंथ्स ओके सो गंगाधर राव एडोप्टेड रिलेटिव सन कॉल दामोदर राव उनके जब सन की डेथ हो गई तो उन्होंने उनके एक रिलेटिव था उनके सन की अडोप्ट uh, कर लिया जिसका नाम था दामोदर राव ओके फॉर वॉट पर्पज फॉर सक्सीडिंग हिम कि गंगाधर राव के बाद झांसी को कौन सक्सीड करेगा दामोदर राव ओके okay? बट गंगाधर डाइड सून आफ्टर एंड दामोदर वॉज टू यंग टू बी द किंग गंगाधर किंग uh, गंगाधर की डैथ हो गई जल्दी ही और दामोदर उस टाइम बहुत छोटे थे कि हम उनको किंग नहीं बना सकते हैं तो जो किंगडम थी वो किसने कंट्रोल की लक्ष्मीबाई ने ओके okay? तो जो बोलते हैं ना झांसी की जो कमान मान मतलब लो झांसी की कमान ले ली रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों में ले ली ओके आ, कब तक तक के लिए जब दामोदर राव इतने बड़े नहीं हो जाते कि वो खुद इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे ठीक है स्टूडेंट्स दामोदर राव एडॉप्टेड संत किसके गंगाधर राव के ओके जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था सो so, अभी वो छोटे हैं गंगाधर राव की डेथ हो गई है तो झांसी को कौन संभालेगा तो झांसी को कौन संभाल रहा है अभी रानी ऑफ झांसी मनी करने का ओके सो स्टूडेंट्स ऑन द टाइम the british had adopted the policy of doctrine of labs okay hamla 15 yeah 16 chapter maybe hai doctrine of labs so how many of you are remembering that who introduced the policy of doctrine of labs it is my question to you all that just let me know in comment section who introduced the policy of doctrine of labs which governor general okay i know you intelligent uh, students you have seen the चैप्टर 15 वीडियो एंड यू आर knowing well who इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्टर ऑफ लेब्स अंडर दिस पॉलिसी आफ्टर एन इंडियन रूलर डाइट इस पॉलिसी के अंदर अगर कोई इंडियन रूलर डाइट हो जाएगा तो जो उसका सन होगा बेटा उसको अलाउ किया जाएगा उसकी थ्रोन को इनहेरेंट करने के लिए बट द कंडीशन इज दैट द किंगडम रिक्वायर्ड अ मेल हायर नेचुरल मेल हायर मतलब बायोलॉजिकल उनका ही बेटा होना चाहिए प्लस मेल भी होना चाहिए समझ में आई बात सन आर नॉट अलाउड टू रूल द किंगडम मेल बायोलॉजिकल सन जो होगा वही आगे रूल कर पाएगा ओके इफ यू आर नॉट हैविंग अ नेचुरल मेल हायर इफ यू आर नॉट हैविंग योर बायोलॉजिकल सन दैट योर स्टेट वुड लैप्स और पास इन देंड्स ऑफ ब्रिटिश उसको ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर लेंगे ओके okay? सो द ब्रिटिश टोल रानी दैट दामोदर वुड नॉट बी द किंग इवन वैन ही ग्रू अप एंड आस्ट हाउ टू लीव द फोर्ट उन्होंने झांसी की रानी को बोला कि देखो दामोदर राव तो ना अभी किंग है और ना फ्यूचर में कभी किंग बन जाएंगे भले वो यंग हो जाएंगे तब भी नहीं क्यों क्योंकि वो आपके अडोप्टेड सन हैं तो आप एक काम कीजिए आप फोर्ट को खाली कर दीजिए जिस किले में रानी रहती थी उस किले को उन लोगों ने खाली करने के लिए बोला किसने बोला ब्रिटिशर्स ने बोला फोर्ट को आ, लीव करने के लिए किसको बोला मणिकर्णिका को बोला झांसी की रानी को बोला कि आप फोर्ट को खाली कर दीजिए ठीक है और मीन वाइली क्या हो गया बिकॉज ऑफ मंगल पांडे ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले मंगल पांडे की डेथ के बाद उनको हैंग करने के बाद 1857 का रिवोल्ट तो स्टार्ट हो ही चुका था तो रानी ने डिसाइड किया कि वो भी झांसी की तरफ से फ़ाइट करी ए, करेंगी उन्होंने अपनी आर्मी में वुमेंस को इंक्लूड किया उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी शी वाज अ ब्रेव शोल्जर एंड अ गुड लीडर वो एक अच्छी लीडर भी थी और एक ब्रेव शोल्जर भी थी द रानी ज्वाइन तात्या टोपे एंड नाना साहेब इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट में उन्होंने किसको ज्वाइन किया बेटा तात्या टोपे को ज्वाइन किया नाना साहेब को ज्वाइन किया वैन ब्रिटिशेज अटैक झांसी शी वॉज सीरियसली इंजोर्ड एंड डाइड सून आफ्टर एटीन फिफ्टी एट देखो इन लोगों की आर्मी थोड़ी सी मॉडर्न थी प्लस कुछ लोग जो झांसी की रानी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे वो भी किसके साथ जाकर मिल गए हैं ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए हैं और जब अटैक किया उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने झांसी पे तो रानी बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गई और इसी टाइम उनकी डेथ हुई कब हुई बेटा एटीन में ओके डू वॉच मनी इट इज़ अ नाइस मूवी ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रेट लीडर इज बाल गंगाधर तिलक ही गेव द स्लोगन ऑफ़ स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट दिस कोट इज़ गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक ही वॉज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक ओके बॉर्न ऑन ट्वेंटी थ्री जुलाई एटीन फिफ्टी सिक्स कब बॉर्न हुए बेटा ये ट्वेंटी थर्ड जुलाई एटीन फिफ्टी सिक्स और कहाँ पर रत्नागिरी महाराष्ट्र में ओके okay? बाल गंगाधर तिलक ऑल्स नोन एज लोकमान्य तिलक बॉर्न ऑन ट्वेंटी थ्री जुलाई एटीन फिफ्टी सिक्स कहाँ पर रत्नागिरी महाराष्ट्र में ओके ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज़ इन डेक्कन कॉलेज कहाँ पर कंप्लीट किए बेटा उन्होंने उनकी स्टडीज डेक्कन कॉलेज में और डेक्कन कॉलेज कहाँ पर है पूना में है डेक्कन कॉलेज कहाँ पर है बेटा पुणे में है 1877 में उन्होंने उनकी स्टडीज को कंप्लीट किया फिर वो टीचर बन गए बाल गंगाधर क्या बन गए टीचर बन गए Uh, फिर जर्नलिस्ट भी बन गए जर्नलिस्ट मतलब जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं टीचर बने जर्नलिस्ट बने फिर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया क्रिटिसाइज़ करने का मतलब होता है बेटा आलोचना करना बुराई करना उन्होंने किसकी आलोचना की किसको क्रिटिसाइज किया वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को बिकॉज ही फील दैट इट डिसरिस्पेक्ट इंडियाज हेरिटेज वो इंडिया की हेरिटेज को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं इसीलिए वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को पसंद नहीं करते थे He took it upon himself to improve the quality of education for india's youth and started deccan education society if somebody asks you who started deccan education society तो who started बेटा बाल गंगाधर तिलक and why he started deccan education society for improving the quality of education i hope this much is clear to you if not do write in comment section okay लिसन तिलक को फाउंडेड टू न्यूज़ पेपर्स दैट इज़ केसरी ऑन मराठा टू न्यूज़ पेपर्स स्टार्टड बाई तिलक इज केसरी एन मराठा केसरी बिकम वेरी पॉपुलर विद पीपल तिलक थ्रू द न्यूज़ पेपर अर्ज एवरी इंडियन टू फाइट फॉर हेज राइट उन्होंने केसरी बहुत सक्सेसफुल न्यूज़ पेपर है उन्होंने इस न्यूज़ पेपर के थ्रू लोगों से अर्ज किया लोगों को परसवेट किया कि आपको आपके राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए ओके okay? uh, बाल गंगाधर तिलक वैसे भी आ, रेडिकल आ, लीडर्स आ, जो मॉडरेट फेस के जो लीडर थे आ, उस फेस में इनका जो रोल था क्या था कि ये ये आ, इनको समझ में आता था, था कि ब्रिटिशर्स प्रेयर से नहीं मानेंगे उनके साथ हमको फाइट करनी पड़ेगी आज़ादी को हमको छीनना पड़ेगा और ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को हमको हमारी इंडिपेंडेंस वापस दे देनी चाहिए फिर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया किसको ज्वाइन किया बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया 1890 में बट वो अग्री नहीं करते थे मॉडरेट व्यूज़ को ये बहुत ही रेडिकलिस्ट थे जल्दी से फ्रीडम चाहते थे तो इनका जो सोच थी वो मॉडरेट लीडर के साथ नहीं मिलती थी मॉडरेट्स जो थे वो कैसे बोलते थे प्रेयर्स करो पैटिशन्स लगाओ पर लड़ाई नहीं करो ठीक है उनको पता था कि हमको इंडिपेंडेंस पीसफुली तो कभी भी नहीं मिलने वाली वी हैव टू फाइट फॉर दैट हुट दस बाल गंगाधर तिलक ही वॉज सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट इनको किसने सपोर्ट किया नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया जैसे बिपिन चंद्रपाल हाँ बेटा फिर से मैं बोल रही हूँ कांग्रेस में दो पार्ट बन गए थे एक थे मॉडरेट जो प्रेयर और पटिशन की पॉलिटिक्स करते थे और एक थे नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्रपाल लाला लाजपत राय ये तो नेशनलिस्ट जो लड़ाई करके इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे इनको अजोर्टिव नेशनलिस्ट बोला जाता था जिसको मैं रेडिकल बोल रही हूँ वो रेडिकल से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है बेटा, okay? okay? में क्या हुआ बच्चों वेट सो स्टूडेंट्स इन टू हु टू रिवोल्यूशनरीज कौन प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस इन लोगों ने क्या किया ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जज को आ, मारने का ट्राई किया पर ये लोग पकड़ा गए अब जब ये लोग पकड़ा गए तो चाकी ने तो सुसाइड कर लिया बोस को हैंग कर दिया गया चाकी ने सुसाइड किया बोस को खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया फांसी दे दी गई ओके ये क्या करना चाह रहे थे डिस्ट्रिक्ट जज को मारना चाह रहे थे तिलक ने अपने न्यूज़ पेपर केसरी में डिफेंड किया किसको चाकी के विचारों को या प्रफुल्ल चाकू को और उन्होंने बताया कि सेल्फ रूल और स्वराज होना ही चाहिए ओके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को डिफेंड करते हुए ही सैड नाउ वी रिक्वायर्ड सेल्फ रूल और स्वराज ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू फ्रीडम जब वो ऐसी बातें करेंगे तो उनको उन, अरेस्ट तो कर ही लिया जाएगा फिर इनको मैंडले भेजा गया कहाँ पर है बेटा मैंडले बर्मा और बर्मा को आज हम किस नाम से जानते हैं बेटा म्यांमार आज आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको वर्मा कहीं नहीं दिखेगा आपको क्या मिलेगा बेटा म्यांमार और म्यांमार में क्या है मैंडले और मैंडले उनको भेजा गया ही वॉज़ देर फ्राम एटीन जीरो एट टू नाइनटीन फोटीन सिक्स ईयर वो वहाँ पर रहे उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया होम लीग इस्टेब्लिश की नाइनटीन सिक्सटीन में ऑल इंडिया होम लीग किसने बनाई है बाल गंगाधर तिलक ने कब बनाई है नाइनटीन सिक्सटीन में बनाई है विथ एनिबिशनट एंड मोहम्मद अली जन्ना ओके okay. किस किस के साथ इनिबिशन मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके इन्होंने क्या बनाई ऑल इंडिया होम रूल लीग कब बनाई 1916 में और तिलक की डेथ कब होगी बेटा 1920 में तिलक डाइड ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल नो हिम सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी एक नेटफ्लिक्स पे इन, इनके लिए एक सीरीज भी स्टार्ट हुई थी अच्छी सीरीज थी है ना तो आप लोग जितनी भी लीजेंस पे जो भी मूवीज़ बनती हैं आप लोगों को वो देखनी चाहिए है ना बेटा तो प्लीज़ देखा करो ओके फालतू तो मूवीज़ देखने से तो अच्छा है कि आप ये मूवीज़ देखें सुभाष चंद्र बोस कब बॉर्न हुए बेटा 23 जनवरी 1897 1897 में ये बॉर्न हुए कटक उड़ीसा में कटक है कटक में ये बॉर्न हुए और ट्वेंटी जनवरी एटीन में ओके okay, और उड़ीसा का अब नया नाम क्या है बेटा उड़ीसा स्पेलिंग में चेंज आ गया उड़ीसा इनके फादर का नाम क्या था जानकी नाथ बोस हिज फादर नेम इज़ जानकीनाथ बोस वो लॉयर थे ओके okay, तो नेताजी को एडमिशन uh, दिलाया हमने किस स्कूल में दिलाया मिशनरीज स्कूल इस में ओके ही स्टडीज इन स्कॉटेड चर्च कॉलेज इन कैलकटा देन वेंट टू इंग्लैंड इनका जो कंप्लीट एजुकेशन हुआ है वो इंग्लिश मीडियम में हुआ है इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लिया है बिकॉज ही ही गॉन टू मिशनरी स्कूल देन वेंट टू स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैलकाटा देन वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज इट मीन्स ही इज नोइंग द ब्रिटिश एजुकेशन ब्रिटिश पीपल इन अ वेरी वेल मैनर ओके देन इन नाइनटीन ट्वेंटी वेट सो so स्टूडेंट्स 1920 में ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफ़ाई कर गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को ये क्वालिफ़ाई कर गए थे पर इन्होंने 21 में रिज़ाइन दे दिया एंड वेंट ऑन टू बिकम एन एक्टिव फ्रीडम फाइटर अगर आप उस टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज को पास करना बहुत ही बड़ी बात थी इन्होंने पास किया ज्वाइन भी किया पर वन ईयर में रिजाइन कर दिया क्यों बिकॉज अगर आप इंडियन सिविल सर्विसेज में हो तो आपको किसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा तो रिजाइन कर दिया ओके okay? नेताजी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के आई एनसी के दो बार प्रेसिडेंट बने कितनी बार बेटा दो बार ही सेंट टू जेल इन मैं जहां बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था वहीं पर इनको जेल में इनको मैंडले भी भेजा गया इनको रंगून जेल में भी भेजा गया ठीक है जेल uh, में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे तो उनको रिलीज कर दिया गया और उनको फिर बाद में हाउस अरेस्ट में रखा घर के अंदर ही निगरानी में रखते हैं ना ही वॉज मास्टर ऑफ डिस ये लोगों को पागल बहुत अच्छे से बना लेते थे इसीलिए वो एस्केप कर जाते थे उनके ऊपर कितनी निगरानी रख लो कितने लोगों को बिठा दो फिर भी वो उस जगह से एस्केप कर जाते थे आफ्टर मेनी एडवेंचरस ही मैनेज टू रीच बर्लिन फिर ये जर्मनी जर्मनी में क्या बेटा बर्लिन आफ्टर बहुत सारे एडवेंचर्स के बाद वो बर्लिन पहुँच गए ठीक है बर्लिन पहुँच गए बर्लिन पहुँचे Uh, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से स्टार्ट हुआ बेटा 1939 से कब तक चला है 1945 तक और स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 आपको ये याद रखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 18 तक 14 से 18 तक सेकेंड 39 से 45 तक ओके जर्मनी एंड जापान हैड अटैक्ड ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया है ना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक साइड में ये पार्टीज थी दूसरे साइड में ब्रिटेन फ्रांस रशिया थे नेताजी वांटेड टू गेट हेल्प फ्रॉम जर्मनी एंड जापान फॉर इंडिया देखो जो नेताजी का प्लान था कि जर्मनी और जापान दोनों ही मॉडर्नाइज नेशन है अगर ये इंडिया की हेल्प करेंगे तो इंडिया इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाएगा बिकॉज दे बोथ बोथ द कंट्रीज आर एनिमी ऑफ ब्रिटेन है ना वन ऑफ दिज मोस्ट मोटिवेटिंग स्लोगन वॉज गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये किसने बोला बेटा सुभाष चंद्र बोस गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम ओके सुभाष चंद्र बोस दो बार आईएनसी के तो प्रेसिडेंट बने ही थे बेटा पर वो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए ने के भी क्या बने थे बेटा लीडर एन आर्मी ऑफ इंडियंस हु बीन प्रेजनर्स ऑफ वॉर और हैड वर्कड आउटसाइड इंडिया और जो इंडियन नेशनल आर्मी जो नेताजी ने बनाई है इसके अंदर कौन थे प्रेजनर्स ऑफ वॉर जो इंडिया के बाहर से इंडिया के लिए काम कर रहे थे नेताजी फेल दैट बाय पीसफुल मीन्स इंडियन वुड नॉट बी एबल टू तो गेट फ्रीडम नेताजी का मानना था कि आप पीसफुली प्रेयर से पटिशन से आपको कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी इफ़ यू वॉन्ट इंडिपेंडेंस देन यू हैव टू फाइट आपको फाइट तो करनी ही पड़ेगी अदरवाइज तो ब्रिटिश शासन को कभी फ्रीडम नहीं देंगे इंडिया वुड नॉट एबल टू गेट फ्रीडम एज द ब्रिटिश वुड नॉट लीव द कंट्री विदाउट ब्लड शेड ब्रिटिशर्स खून बहाए बिना तो इंडिया से निकलने वाले थे ही नहीं ही एनकरेज वुमेन टू पार्टिसिपेट उन लोगों ने वुमेन को भी बोला आप भी आइए पार्टिसिपेट कीजिए और उन्होंने क्या बनाई बेटा रानी झांसी बहिनी क्या बनाई बेटा रानी एनकरेज वुमेन टू पार्टिसिपेट एंड फॉर्म द रानी झांसी बहिनी लेड बाय कैप्टन लक्ष्मी सेगल ओके ही स्टार्टेड यूजिंग इस स्लोगन उन्होंने एक स्लोगन भी बनाया वो स्लोगन था जय हिंद इंडियंस को एनकरेज करने के लिए बोला जय हिंद ओके सॉन्ग्स फॉर ऑल्सो यूज फॉर दिस परपज सॉन्ग भी बनाए ही जनरली बिलीव दैट

सरोजनी नायडू कहाँ पर बॉर्न हुई हैं बेटा हैदराबाद में बॉर्न हुई हैं कब बॉर्न हुई हैं थर्टीन फेबरी एटीन सेवेंटी नाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर द ईयर ना ओनली बिकॉज अभी आप बहुत यंग हो आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से काम करती है ओके okay? जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको जो वो याद करने वाली जो पावर होती है वो धीरे धीरे धीरे-धीरे कम होती जाती है तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट टू लर्न ऑल द ये चैप्टर आपको ऐसा नहीं कि क्लास एट्थ में, में, में वापस से काम में आएगा इसलिए डू रिमेंबर ओके अगोरनाथ चट्टोपाध्याय किसकी बेटी थी बेटा अगोरनाथ चट्टोपाध्याय की एंड and her mother name is Varda Sundar Devi. His father was the founder of Nizam College. इनके father ने हैदराबाद में कौन से college को establish किया था Nizam College को और जो इनकी mother थी बेटा वो एक poet थी mother poet father established on Nizam College. Okay तो इनकी family education में तो starting से ही थी she also inclined towards education. ये फ्रीडम फाइटर हैं और पोइट भी हैं ये एक फ्रीडम फाइटर भी हैं और पोइट भी है शी वॉज जीनियस फ्राम चाइल्ड हुड डेज बचपन से ये बहुत होशियार थी ट्वेल्थ ईयर की एज में तो ये मद्रास यूनिवर्सिटी में एंटर कर गई थी मतलब शी शी वॉज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर अ ग्रेट पोएट बट शी वॉज वेरी जीनियस एट हर चाइल्ड हुड चाइल्ड हुड में उन्होंने ट्वेल्थ ईयर की एज में तो मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था थिंक अबाउट इट ओके सिक्सटीन ईयर में तो वो इंग्लैंड चली गई थी और वहाँ पर किंग्स कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी ओके okay? उसके बाद वो गिरतन कॉलेज गई पहले किंग्स कॉलेज गई फिर गिरतन कॉलेज गई गिरतन कॉलेज, कॉलेज कहाँ पर कैम्ब्रिज में ओके okay? नाइनटीन में वो डॉक्टर नायडो से उनकी मैरिज होगी डॉक्टर नायडो एक डॉक्टर थे नाइनटीन ईयर की एज में ये मैरिज भी कर रही इनको बहुत सारी लैंग्वेज का नॉलेज था शी कैन स्पोक एन नंबर ऑफ लैंग्वेज इन अ वेरी नाइस वे हमारी तरह नहीं ना तो हम प्रॉपर हिंदी बोल पाते हैं और ना प्रॉपर इंग्लिश ओके आफ्टर आर रिटर्न टू इंडिया फिर जब ये रिटर्न आ गई इंडिया में तो इन्होंने क्या किया बच्चा फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया ओके okay, और गांधी जी के साथ काम करने लग गई ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी किसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की दो बार प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बार प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू भी बनी गांधी जी के साथ मिलकर एक काम करने लग गई है फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं बेसिकली शी वॉन्ट द बेटरमेंट ऑफ द वूमेन है ना एंड द वर्किंग क्लास इन्होंने गांधी जी को एम्पना एक अम्पेनाई किया जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो नाइनटीन में आ, गांधी जी ने इरविन पैक्ट साइन करने के बाद कहाँ गए लंदन में सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए थे ठीक है शी वॉज अरेस्ट इन नाइनटीन थर्टी एंड अगेन इन नाइनटीन फोर्टी दो बार इनको अरेस्ट भी किया गया बेटा एक बार नाइनटीन थर्टी में अरेस्ट किया गया एक बार नाइनटीन फोर्टी टू में अरेस्ट किया गया आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ये कहाँ की गवर्नर बनी बेटा उत्तर प्रदेश की ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को अंक नाई किया दो बार जेल भी गई और फिर जब इंडिपेंडेंट हो गया कंट्री तो ये गवर्नर बनी कहाँ की उत्तर प्रदेश की ओके okay? इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर का अगर कोई नाम पूछता है तो आप लोग क्या बोलेंगे सरोजनी नायडू She died while she was holding that post और इस पोस्ट pe रहते हुए इनकी डेथ हो गई Her collection of poem also called Golden Threshold was published in इन नाइनटीन जीरो फ़ाइव आपको दो चीज़ें तीन चीज़ें याद रखनी है इनकी डेथ यह नाइनटीन फोर्टी नाइन दो बार अरेस्ट हुई नाइनटीन थर्टी में नाइनटीन फोटी टू में फिर जो इनकी बुक है इनकी बुक पोएम के कलेक्शन को हम बोलते हैं गोल्डन थ्रेश जो कब पब्लिश हुआ था नाइनटीन में ओके सो स्टूडेंट्स आई होप You have understood everything. If not, do write in comment section, okay?